हेलो नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ब्रेड टोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी होता है, जो केवल 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। ये बड़े और बच्चों सबको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे किसी भी टाइम बना सकते हैं, स्पेशली सुबह नाश्ते के टाइम पे, या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने टमाटर लिया कटे हुए, प्याज, हरे प्याज, धनिया मिर्च, नमक, हल्दी, एक कटोरी बेसन लिया है। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें हमें बेसन डाल देना है। मैंने एक कटोरी लिया, अगर आप ज्यादा बना रहे हो तो ज्यादा ले सकते हो। आप इसमें कैप्सिकम, शिमला मिर्च का भी उपयोग कर सकते हो। टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, मैंने हरे प्याज ले लिए हैं, हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी से क्या होगा, अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, सबको मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए, ना ही बहुत पतला, नॉर्मल पेस्ट हमें बनाना है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम। ये देखिए, हमें ऐसा पेस्ट तैयार करना है इसका। मैंने पैन चढ़ा दिया गैस में, इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को पैन में अच्छे से फैला देना है चारों तरफ। ये देखिए, ऐसे फैला दे इसे। तेल को थोड़ा गरम होने दें। ये मैंने सैंडविच वाले ब्रेड लिए हैं, इसमें हम डिप करेंगे। इसमें अच्छे से डिप कर, जिससे सारी सब्जियां लग जाए। याद रहे कि ब्रेड में कोई भी लिक्विड चीज जाएगी तो जल्दी टूटने लग जाती है, इसलिए इस काम को जल्दी करें। मैंने पैन में रख दिया इसे, दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेकना है। इसे मीडियम फ्लेम ही गैस का रखें। उसको पलटा देंगे हम, दूसरी तरफ से सेकेंगे। ये देखिए, लगभग लगभग सिक चुके हैं। दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेकना है इसे। ये सब्जी और बेसन अच्छे से पक जाए। ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म ब्रेड टोस्ट बन के तैयार है। आप इसे किसी भी टाइम बना के खा सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।